बिहार में बालू माफिया बेखौफ हैं। मंगलवार को जमुई में माफियाओं ने दरोगा प्रभात रंजन को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। घटना के वक्त दरोगा अपनी टीम के साथ सड़क पर अवैध रेत खनन की चेकिंग कर रहे थे, तभी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस को कुचल दिया। मौके पर दरोगा की मौत हो गई, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरोगा प्रभात रंजन वैशाली जिले के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक दरोगा प्रभात रंजन की 2018 में नियुक्ति हुई थी। प्रभात वैशाली जिले के पातेपुर के बस्ती खुआजपुर पंचायत के रहने वाले थे। उनके चचेरे भाई गांव के मुखिया हैं। दरोगा के परिवार की बड़ी ही मार्मिक कहानी है। शिव नारायण शाह के 3 बेटों में एक प्रभात रंजन भी थे। प्रभात के 2 और भाई हैं जो किडनी के मरीज हैं। दोनों भाइयों का दिल्ली में डायलिसिस चल रहा है। प्रभात की 4 साल की एक बेटी और 6 महीने का बेटा है। पत्नी भी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। गांव वालों के मुताबिक पूरा परिवार अभी दिल्ली में है, आज शाम तक जमुई आने की संभावना है। प्रभात की माँ और पिता बुजुर्ग हैं। घटना की खबर मिलते ही दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों को सदमे में देखा जा रहा है। गाँव वाले और रिश्तेदार घर पहुँच रहे हैं और ढांढस बंधा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वारदात जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र के चनरवर पुल के पास हुई। दरोगा प्रभात रंजन को मंगलवार सुबह 7 बजे अवैध बालू के परिवहन की सूचना मिली थी। उसके बाद वो तुरंत अपनी टीम के साथ चनरवर पुल के नजदीक पहुंच गए और चेकिंग करने लगे। इसी बीच सामने से एक ट्रैक्टर आया जिसमें अवैध रूप से बालू लदी हुई थी। दरोगा प्रभात रंजन ने जब ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो बालू माफिया उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गए। इस घटना में एक अन्य पुलिसकर्मी राजेश कुमार भी घायल हो गया है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जमुई की घटना पर नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि यूपी और मध्य प्रदेश में भी तो ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। ये अपराध है, कानून के मुताबिक दोषियों को सजा दी जाएगी। जमुई में बालू माफिया से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अक्टूबर महीने में यहां छापेमारी करने गई टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया था। इस हमले में सदर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिस जवान घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 बालू माफिया समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई में 12 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही 7 ट्रक और 1 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया था। जमुई ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों से बालू के अवैध खनन से जुड़े मामले आते हैं। इससे पहले जुलाई महीने में नवादा जिले में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने कथित रूप से सब इंस्पेक्टर पर बालू लदा ट्रैक्टर चढ़ा दिया था और फिर मौके से फरार हो गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।